ये वाली मशीन, मतलब ये थोड़ी मूवीज़ में देखी है यार। इसमें से कभी कुछ पता नहीं, यहाँ से नोट डालो, वहाँ नीचे से कुछ निकलेगा। मुझे मेरा एक लगेज यहाँ पड़ा मिला, ये मेरा एक लगेज है। एक लगेज मेरा वो वाले कॉर्नर में पड़ा है बिल्कुल। अभी मैं आपके साथ इमिग्रेशन प्रोसेस शेयर कर रहा हूँ। सत श्री अकाल जी, वेलकम बैक टू आवर अनदर न्यू व्लॉग। इस बार हम लोग 1.5 साल बाद फिर से व्लॉगिंग में एंट्रेंस मारी है। अभी हम लोग जा रहे हैं इंडिया से कनाडा। हमारी दुबई में 3.5 आवर्स की स्टे है, फुल एमिरेट्स है। यहाँ से दुबई भी एमिरेट्स, देन वहाँ से टोरंटो YYZ, वहाँ तक भी फुल एमिरेट्स है। अभी हम लोग वेटिंग एरिया में बैठे हैं। हमारा चेक इन, इमिग्रेशन एंड बोर्डिंग पास हमने ले लिए हैं। हम दोनों ही जा रहे हैं, अभी आराम से वेट कर रहे हैं। अभी हो रहे हैं 6:20, हमारी फ़्लाइट है 8:20 पे। यहाँ से दुबई जाएंगे पहले, तो अभी टाइम बस बर्बाद कर रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं। इसका ध्यान समझ लो कहाँ है, समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? एयरपोर्ट्स में स्मोकिंग जोन भी होता है, ये वाला स्मोकिंग जोन है। यहाँ पे सिगरेट बाय करो, देन यहाँ से आप लोग यहाँ पे स्मोक कर सकते हो। अभी हम लोग वही यहाँ थोड़ा घूम रहे थे, वही बच्चों वाली आदत यार, इस पे ट्रैवल करना है, ये ऑटोमेटिक चलेगा और हम लोग आएंगे, बट यार ये तो चल ही नहीं रहा। बस वही बच्चों वाला शौक पुगा रहे हैं, बट ये चल नहीं रहा, वो हमारी गलती नहीं है, बट फिर भी इसके ऊपर ही चलना है हमें, कुछ हो जाए तो। यहाँ एयरपोर्ट में होते हैं दो तरह के सिस्टम, या तो आप यहाँ पर आओ, यहाँ से लाइन लगाओ, 100 रुपये की यहाँ बोतल मिलेगी, वाटर बॉटल, वो पिकअप करो, या तो यहाँ देख लो, वहाँ ड्रिंकिंग बॉटल का लगा हुआ है, ड्रिंकिंग वाटर, आप ड्रिंकिंग वाटर यही कहीं भी पढ़ लेना लिखा हुआ, बस सिंपली इसको फॉलो कर लेना। हमारे पास एक खाली बॉटल थी, खाली बॉटल पड़ी थी, तो खाली बॉटल को लाए हैं। देन यहाँ कोने में आके यहाँ आपको ड्रिंकिंग वाटर का फ्री एक्सेस मिल जाएगा। आप यहाँ से भरना प्रेफर कर सकते हो, या आपको 100 रुपये दे के अपनी वहाँ से बॉटल लानी पड़ेगी ब्रांडेड। अभी पूरे पूरे 8 बज चुके हैं, 20 मिनट में टेक ऑफ होगा। अभी तक लोगों के लगेज सेट नहीं हुए हैं। वाओ, ऊपर तारे बड़े मस्त हैं एमिरेट्स के। देन हमारे पास जो स्क्रीन है, स्क्रीन में हमारे पास इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट का ऑप्शन है। ये स्क्रीन में हमें ये खेलने का डिवाइस भी मिलता है। हमारे पास जो बच्चा बैठा है वो जैसे इसको यूज़ कर रहा है, उससे मैं धीरे धीरे सीखा। तो अभी इंफॉर्मेशन में हम लोग जाकर चेक कर सकते हैं हमारा प्लेन कहाँ है, पूरी इंफॉर्मेटिंग, मतलब दुबई वाली इंफॉर्मेशन यहाँ से आप पता कर सकते हैं। बाकी बैक में अगर हम लोग कम्युनिकेशंस में जाते हैं, वाईफाई, मोबाइल डेटा, ये सब, कॉलिंग कूलिंग, इनके सब के चार्जेस हैं। यहाँ आप आओ ही मत, मेरा कहना है तो। देन एंटरटेनमेंट हमारी काम की चीज़ है, टाइम पास ही करना है यार हमें तो। यहाँ मूवीज़ है, गेम्स भी है, म्यूज़िक सुन लो, कुछ भी सुन लो यार, मूवीज़ में बेस्ट मूवीज़ ही है यार, लेटेस्ट मूवीज़ सभी, मोस्ट ऑफ द मूवीज़ यहाँ अवेलेबल है। यहाँ पे अभी पता नहीं क्या उनका म्यूज़िक चल रहा है, कौन रेडियो जैसा बज रहा है, मैं उसको भी वही सुनने लगा हुआ हूँ। यहाँ सेटिंग्स में बहुत मस्त ऑप्शन है, अगर आपको सोना हो तो आप टाइमर अलार्म में जाके अपना अलार्म सेट कर सकते हो, बाकी हेडफोन्स पहन के सोचो, जब मर्जी उठ जाओ आप। मैं म्यूज़िक एक्सप्लोर कर रहा था, मुझे यहाँ पर एक कमी देखने में मिली, और वो है कि इंडियन सॉन्ग्स में जाकर यहाँ पे पंजाबी गानों की बहुत कमी थी। ये वाली पिक मुझे कैबिन क्र्यू के एक मेंबर ने खींच के दी थी, मुझे पता नहीं इसका क्या करना है। तो मुझे मेरे साइड वाले बच्चे ने बताया कि इसको ऐसे शेक करके ये विजिबल होगी, पहले ये विजिबल नहीं थी, ब्लैक कलर की थी। अभी 9:40 हो चुके हैं, मैंने डिनर खाना स्टार्ट कर दिया था, कुछ देर पहले ही आया। मैंने नॉन वेज मील में मटन करी चूज़ की थी, एंड सबसे पहले तो चीज़ हमें एक ही पहचान में आई, अमूल बटर, असली बटर। बाकी माउथ फ्रेशनर है हमारे पास, चॉकलेट है, बाकी
सॉल्ट एंड पेपर के छोटे छोटे पाउचेस भी अपने टेस्ट के लिए, बाकी स्पून्स थे, ये नट्स हैं, ये छोटा सा मिनी बर्गर एंड ये केक कॉर्न, और मैंने एप्पल जूस मंगवा लिया था अपने लिए। बाकी गाने सुनते सुनते आराम से खाना खा रहे हैं हम। आ गए दुबई बिच, हंसदा किया है, पहली बार आया तू भी। वही काम जो बाकी होता है, आके वो भी कर लिया, दुबई में भी कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। एरोप्लेन में मुझे चॉकलेट मिली थी छोटी सी, ये मैंने अपने बैग में डाल ली थी। अभी दुबई के फ्री ड्यूटी ड्यूटी फ्री एरिया में है, बस वेले। ये कुड़ी पीछे क्यों जा रहा है पता नहीं, छोड़ो। अभी कुछ थोड़ा मज़ेदार सा मिला है, ये वाली मशीन, मतलब ये थोड़ी मूवीज़ में देखी है यार। इसमें से कभी कुछ पता नहीं, ऐसे नोट डालो वहाँ नीचे से कुछ निकलेगा। थोड़ा सा अभी मन कर रहा है, इंडियन करेंसी है यहाँ पे, इंडियन करेंसी टू दिरहाम हम लोग कन्वर्ट करवा सकते हैं। उसमें जो आदमी बैठा है वो पंजाबी है, तो थोड़ी सी खाज हो रही है कि चलो करा ही लेते हैं। अभी उसके पास कराने जा रहे हैं, देन फिर यहाँ आके चॉकलेट निकालेंगे। लो जी 32 दिरहाम, दो सिक्के हैं, बाकी 30 के 3 नोट। जो वहाँ से शगन मिलता है हमें, वही शगन को अभी यहाँ पे सीधा था दिरहाम में कन्वर्ट करके कुछ खाएंगे पिएंगे। खाना है, मेन काम खाना नहीं है, वो मशीन से चॉकलेट निकालेंगे, निकाल के रहेंगे। चलो हमने चूज़ किया है 1E का मरिंडा, 1F का मरिंडा। भाई नोट ले गया वो नेल सिक्के। अभी हम लोग यहाँ पे 1E डालो, ई भाई डाल, ई डाल, 1E डाला। अभी वो गया नीचे, और चलो आ रहे हमारे लिए, वहाँ में खुले पैसे आ गए। चक 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 भाई, टिकट टिकट टिकट। इस बार फिर से माउंटेन ड्यू, उसका कोड है 1D। अब सिक्के डालेंगे, एक सिक्का गया, दो, छः। अभी हम लोग अपना ऑर्डर मारेंगे 1D, वन का डी। अभी माउंटेन ड्यू गिरी, अचक वो गई सामने आई। हाँ डालो डालो डालो, कितने यार, ये माउंटेन ड्यू कलेक्टर। चलो चलो वर्ल्ड के सबसे बड़े लार्जेस्ट एयरपोर्ट में घूमते घूमते पता नहीं कितना टाइम निकल गया, बट यार बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। टैक्सी भी ट्रैवल कर लिए, बाकी चलते जा रहे हैं। 1:30 हो रहे हैं, हमारी 4 बजे फ्लाइट है, तो वही 1 घंटे पहले हमें अभी B17 पे जाना है। B15 में पहुंच गए हैं, B17 में जा के वहाँ आराम से रेस्ट करेंगे। दुबई में मिल गया ये ऑटोमेटिक चलने वाला, भाई ने हमारा थोड़ा सा शौक पूरा कर दिया। यहाँ पर थोड़ा चलना था, अब खड़ा हो गया, फील हो रहा है कि बस चल रहे हैं, अभी आ रहा है आनंद। आज चक, इस बार 2 फ्लोर वाला प्लेन, 2-2 इंजन, वेरी वेरी हैप्पी वी आर। ये वाली चीज़ बढ़िया है, अभी मल्टीप्लेयर गेम खेल रहे हैं, बैटलशिप, दोनों लॉबी में है। ये मेरे सामने बैठा है, कौच के अंदर एक टूथब्रश है, एंड एक छोटा सा पेस्ट है,
उसके साथ हम लोग को फेस पे स्पाइडरमैन मास्क मिल गया, बाकी ये जराबे हैं, मोजा है शायद ये। लड़का डॉलर दे मुझे, जितना डॉलर है सारा डॉलर देगा अपना, ऐसा निकाल। यार ये एयर इंडिया का कलर थोड़ा येलो क्यों है? नाक अच्छे होते हैं। अभी ट्रेजर हंट की तरफ आ चुके हैं। ये लड़का गद्दारी कर गया, मेरे से पहले निकल गया इमिग्रेशन करके। इसको उसके लगेज मिल गया, मेरा लगेज खाली, अभी मैं ट्रेजर हंट खेलूँगा। यहाँ पे पूरा ट्रेजर हंट गेम है, अपना लगेज ढूँढो। मुझे मेरा एक लगेज यहाँ पड़ा मिला, ये मेरा एक लगेज है। एक लगेज मेरा वो वाले कॉर्नर में पड़ा है, बिल्कुल सेपरेट हो गए थे हमारे लगेजेस, ऐसे ढूँढने पड़ते हैं यहाँ पर आके। अभी मैं आपके साथ इमिग्रेशन प्रोसेस शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ लैंडिंग होने के बाद एक आवर तक हमें वेटिंग एरिया में रखा गया। उसके बाद मेन इमिग्रेशन स्टार्ट हुई, वो आपके नेम्स कॉल आउट करेंगे, आपको स्टडी परमिट पकड़ाएंगे, देन आपको एक सर्वे के थ्रू जाना है। 5 क्वेश्चन आंसर रहेंगे, उसको आपको आंसर करना है अपने अकॉर्डिंगली। देन लाइन में लग के जो इमिग्रेशन के मेन प्रोफेसर्स होते हैं, टीचर्स जो भी बोल लो, उनके पास जाना है, उनको अपना लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन देना है। लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन पास करने के बाद उनको वो स्टैम्प करेंगे, अपना एक मार्कर से साइन साइन करेंगे, बस यू आर डन, आपका इमिग्रेशन हो गया, आप सक्सेसफुली निकल चुके हो। वेलकम टू कनाडा, खुशी देखो यार। अरे यार मेरे पीठ पीछे नाच रहा था अभी, क्या ही बोलेंगे। तो भाई मैं क्यों मजाक करूं, जब मेरा इमिग्रेशन का टाइम आया, सच में धड़कने तेज़, और मैं गया भी वो वाली मैम के पास था जो 5-5 क्वेश्चन पूछ रही थी। मैं वो वाली मैम के पास गया, मैम ने सबसे पहले मुझे नाम बताया, देन मैम ने पूछा स्कूल, मैंने वो नाक से बोला महाकॉलेज, बस उसके बाद मैंने कोई सवाल ही पूछा। बस मेरी इमिग्रेशन खत्म, उसके बाद बस मैं हो गया कनाडा में इंटर, और कुछ नहीं। बस लोग बोलते हैं ना, हैप्पी जर्नी सेफ जर्नी, जो जर्नी करता है ना उसी को पता होता है जर्नी क्या होती है। जब 14-14 घंटे तक जब 14-14 आवर्स तक प्लेन में बैठे रहोगे, सिर्फ खाना पीना सोना मूवी देखो एक कुर्सी में बैठे रहो, तब पता चलेगा हैप्पी एंड सेफ जर्नी क्यों कहते हैं लोग। 20 आवर तक, मतलब 20 घंटे तक हमने रोशनी नहीं देखी, मतलब शाम और अंधेरे में जी रहे थे हम लोग। 20 घंटे तक हमने ऐसे बिल्कुल रोशनी नहीं देखी। देन उसके बाद यहाँ पर जब टोरंटो के पास में आए, क्लाउड्स के ऊपर धूप थी, एरोप्लेन में धूप आ रही है, थोड़ी बहुत गर्मी लग रही है, बट जैसे ही क्लाउड्स के नीचे आया एयरपोर्ट, सीधा पता चला 0°C टेम्परेचर चल रहा है टोरंटो में। इसलिए कहते हैं हैप्पी एंड सेफ जर्नी। और बाकी एमिरेट्स थी फुल फ्लाइट, उसमें सिर्फ एक ठो मील थी जिसका मील का टेस्ट थोड़ा दही खट्टा था, एंड बाकी सब तो ओके था, पूरी अच्छी जर्नी हो गई है। अभी अभी जस्ट एयरपोर्ट से बाहर निकले हैं, सीधा सडन चेंज, अंदर में तो गर्म था, यहाँ पूरा 0°, तेनू पता केड़े शहर विच रहना, ब्रैम्पटन विच मुंडा तेंदा।